कैटीजन में पूरा गेम है वीकेटी पॉइंट्स का। वीकेटी पॉइंट्स अगर आपके पास नहीं है तो लिटरली आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर आपको एक अच्छा एयरड्रॉप चाहिए तो आपके पास वीकेटी पॉइंट्स होने चाहिए ताकि आप उनको यूज कर पाए एंड अधिक से अधिक लेवल पर अपनी जो कैट्स है उनको अपग्रेड कर पाए। अगर आप देखेंगे तो मेरी हाईएस्ट कैट जो मैं अपग्रेड कर चुका हूँ वो 34 लेवल तक कर चुका हूँ। आप यहाँ पर कैट्स को 700 लेवल तक अपग्रेड कर सकते हैं जो कि मैं मान सकता हूँ कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप एक ऐसी यूजर है जो कि नए हैं और अगर आप जेब से पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो भाई आप इतने लेवल्स तो अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतने लेवल्स तो अपग्रेड कीजिए कि आपको यहाँ पर एक अच्छा एयरड्रॉप मिले, क्योंकि इस एयरड्रॉप में पोटेंशियल है आपको अच्छा पैसे देने का। लेकिन अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वो अच्छा पैसा बना पाते हैं या नहीं। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे आपके पास वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनके माध्यम से आप वीकेटी पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं और वीकेटी पॉइंट्स को फिर आप यूज करके अपनी कैट्स को आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको यहाँ पर पिन कमेंट को चेक करना है। यहाँ पर आपको ऐसे एयरड्रॉप्स की लिंक मिलेंगी जो कि फिलहाल ट्रेंडिंग में है एंड कुछ एयरड्रॉप्स ऐसे भी हैं जिनमें बाइनेंस ने इन्वेस्ट किया है। इवन प्री मार्केट में भी लिस्ट हो चुके हैं, सो आपको किसी भी एयरड्रॉप को मिस नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो सबसे पहला स्टेप है आपको कैटीजन को ओपन कर लेना है अपने टेलीग्राम पर। जैसे ही आप ओपन कर लेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर डॉग नाचता हुआ दिख रहा है, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगी। अब आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर स्पीड देखने के लिए मिल रही है एंड कितने गुना आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अगर आप एक मिनट के लिए करते हैं तो फ्री में ये स्पीड रहेगी, 4 मिनट के लिए आपको टॉन चाहिए और 20 मिनट के लिए आपको 50 फिश कॉइन यहाँ पर चाहिए। अब अगर आपके पास फिश कॉइन नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आप या फ्री वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास फिश कॉइन है तो मैं 20 मिनट पर क्लिक करूंगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर से आपको कितने सारे वीकेटी पॉइंट्स गिरते हुए दिख रहे हैं एंड ये 20 मिनट तक गिरते ही रहेंगे इसी स्पीड से। अब इसका फायदा ये है कि आपके जो वीकेटी पॉइंट्स है ना वो इकट्ठा होते रहेंगे, फिर आप इनको यूज करके आसानी से अपने कैट्स को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि ठीक है वीकेटी पॉइंट्स तो कलेक्ट हो रहे हैं लेकिन कैट्स कैसे अपग्रेड होंगे इनको यूज करके। आपको नीचे दो ऑप्शन मिलते हैं जहां पर आपको जनरेट और फीड का ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन होता है जनरेट का। अगर आप जनरेट पर क्लिक करते हैं तो जो भी नंबर की कैट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो कैट आपको मिलेगी, लेकिन आपके पास जितने वीकेटी पॉइंट्स होंगे ना वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। और नीचे आपको अगर ये कैट चाहिए एक तो आपको इतने वीकेटी पॉइंट चाहिए। मेरे पास आप देखेंगे कि वीकेटी पॉइंट्स कम है लेकिन मुझे चाहिए ज्यादा, तो मैं जरूरी नहीं है कि 27वें लेवल की ही कैट परचेज करूं। अगर मान लीजिए आपके पास पॉइंट्स अधिक है और यहाँ पर आपको कम दिखाई दे रहे हैं तो डायरेक्टली आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको ये कैट फिलहाल नहीं चाहिए 27 नंबर की, आपको किसी बड़े रैंक पर या फिर छोटे रैंक पर चाहिए कैट, तो फिर आप क्या करेंगे फीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको जिस भी रैंक की कैट चाहिए आप डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर कैट चाहिए 28 नंबर की, सो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कितने मुझे वीकेटी पॉइंट्स चाहिए एंड आपके वॉलेट में जितने भी होंगे वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर आपको फिश टोकन्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं या कॉइन आप बोल सकते हैं कि कितने चाहिए। मैं आपको बोलूंगा कभी भी आप अपनी जो फिश कॉइन है ना वो यहाँ मत खर्च कीजिए, आपको कहाँ खर्च करने हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 26वें नंबर की बाई कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि मेरी कैट परचेज हो गई एंड डैशबोर्ड में यहाँ पर एड हो जाएगी। बेसिकली जैसे ही एक और मेरे पास 26 नंबर की हुई तो मेरी यहाँ पर मैच हो जाएगी 27 नंबर से, और पहले से मेरे पास 27 नंबर की है तो वो 28 से हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरी स्पीड फिलहाल बिलियंस में है। आपको यहाँ पर एक रॉकेट का लोगो मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको हमेशा फ्री वाली जो स्पीड है ना वो क्लेम करते रहना है, इस बात का ध्यान रखना है, इसको मिस नहीं करना है। और अगर आपके पास वॉलेट में टोन है तो आप टोन के माध्यम से जरूर क्लेम कीजिए, और अगर आप फिश टोकन है तो यहाँ खर्च कीजिए। मेरे हिसाब से लेवल्स बढ़ाने के लिए फिश टोकन्स को मत खर्च कीजिए, क्योंकि अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छे वीकेटी पॉइंट्स आपको मिलते हैं। मैंने ट्राई किया है, यहाँ पर जो वीकेटी पॉइंट्स है ना वो ही बेनिफिशियल ज्यादा रहते हैं फिश टोकन्स के बजाय। तीसरी ट्रिक है वीकेटी पॉइंट्स को अर्न करने की, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कंप्यूटर है, लैपटॉप है या मोबाइल है तो आप कैटीजन को ओपन करके रख दीजिए। आपको यहाँ पर फ्री में जो वीकेटी पॉइंट्स है ना वो अर्न होते रहेंगे और फिर आसानी से आप समय निकाल के अपनी जो कैट्स है ना उनको अपग्रेड कर सकते हैं। सो इससे आपका जो समय है ना वो वेस्टेज होगा नहीं। यहाँ पर देखिए पेपे कॉइन का लोगो डांस कर रहा है, क्लिक करूंगा एंड अपने अनुसार यहाँ पर क्लेम कर लूंगा जितने भी मिनट के लिए मुझे चाहिए। उसके बाद में मेरी स्पीड बढ़ जाएगी एंड जो वीकेटी पॉइंट्स है वो
काफी स्पीड से ड्रॉप होने वाले हैं। एंड यहाँ पर आपको जो मेल एंड फीमेल्स आती हुई दिख रहे हैं ना, इनकी स्पीड भी यहाँ पर बढ़ जाएगी, ताकि ये जो कैट्स हैं उनको फटाफट से उठाएं एंड फटाफट से रखें, ताकि आपकी जो वीकिटी पॉइंट्स है वो भी अर्न हो। और इसके अलावा जो कैट्स है ना, वो ड्रॉप के माध्यम से आपको यहाँ नीचे भी देखने के लिए मिले। यहाँ पर मैंने ऑटो भी सेटअप कर रखा है, यानी कि जो भी कैट्स हैं वो मुझे यहाँ पर खुद से अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, सेम नंबर की आएंगी वैसे ही ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएंगी।